हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल साइंस का पार्ट 14, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा मैंने 1 से 13 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया है, आप लोग वो जरूर देखिएगा, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो की पीडीएफ आप टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सेब के बीज में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो देखिए, सेब के बीज में मौजूद होता है एमिग्डालिन नाम के एक सब्सटेंस, एक पदार्थ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। देखिए, एमिग्डालिन क्या है कि मनुष्य के पाचन में एंजाइम के जब संपर्क में आता है तो ये साइनाइड रिलीज कर देता है और जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। देखिए, एमिग्डालिन में शुगर और साइनाइड होता है जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है और वो हाइड्रोजन साइनाइड में परिवर्तित हो जाता है जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो सेब के बीज में एमिग्डालिन नाम का एक सब्सटेंस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस कोरोना वायरस का नाम बताइए जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। देखिए, यह एक कोरोना वायरस है, सार्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और यह एक श्वसन यानी कि सांस की संबंधी बीमारी है, रोग है। अब इसमें देखते हैं कि इस तरह के जो वायरस है, आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा कोरोना वायरस है, सार्स। अगला क्वेश्चन है, जेरोफ्थैल्मिया को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो देखिए, जेरोफ्थैल्मिया को रोकने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है, यानी कि इससे रोका जा सकता है जेरोफ्थैल्मिया को। देखिए, जेरोफ्थैल्मिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप जो आंखों की आंसू है वो उत्पन्न होना बंद हो जाता है, तो इस बीमारी में आंखों की आंसू उत्पन्न नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस हिस्से में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? तो देखिए, शरीर के पेट से ही प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेपेटाइटिस बी निम्न में से किस कारण होता है? तो देखिए, यह वायरस के कारण होता है और हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण ये होता है, हेपेटाइटिस रोग। और देखिए, इस वायरस में जो बीमारी होती है जिससे मनुष्य के लीवर को संक्रमित करता है, उसमें नुकसान पहुंचाता है और जिसके कारण लीवर में सूजन हो जाता है और जलन पैदा हो जाती है। तो हेपेटाइटिस बी एक वायरस के कारण होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइसिन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में होता क्या है, एक बायो मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु अवेलेबल होते हैं, इसमें प्रेजेंट रहते हैं और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणु का जो अनुपात होता है, रेशियो, वो 2:1 होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कि हमारा कौन सा इसमें ऑप्शन सही मेल नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीमोग्लोबिन त्वचा से संबंधित नहीं है, बाकी विटामिन सी स्कर्वी से संबंधित है और कार्बोहाइड्रेट जो आलू में पाया जाता है और फैट जो हमने देखा कि मक्खन में पाया जाता है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे जो फेफड़े हैं और हमारे शरीर के अन्य भागों में ऑक्सीजन पहुँचाने का कार्य करता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया रोग, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वसा यानी कि फैट में घुलनशील विटामिन है, तो यहाँ पे वसा में यानी कि फैट में सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? तो ये देखिए, यहाँ पे उपरोक्त सभी ये जो विटामिन है, विटामिन ए, डी और ई, ये सारे फैट में सॉल्युबल है, ठीक है। देखिए, इसके अलावा एक और विटामिन है, विटामिन के, ये भी सॉल्युबल है वसा में। तो ये चीज़ कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि वसा में यानी कि फैट में सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो ए, डी, ई और के, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो देखिए, नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन B1 को थियामिन कहते हैं और विटामिन B2 को जो है राइबोफ्लेविन कहते हैं और विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। हमने अभी देखा कि जितने भी हमारे ऑप्शन है B, C और D, इनमें हम इनको देखें, विटामिन 1, 2 और C को देखें, विटामिन सी, तो इनके रासायनिक नाम है ये, B1 को थियामिन, B2 को राइबोफ्लेविन और C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की अधिकता के कारण जिगर यानी कि लीवर की क्षति होती है?
तो देखिए यह क्षति होते विटामिन बी थ्री के कारण, ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विटामिन बी थ्री के कारण डायरिया भी हो जाता है, ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ यानी कि सब्सटेंस का नाम बताइए जो विटामिन को चयापचय मेटाबॉलिज्म में अप्रभावित रहते हैं। तो देखिए मेटाबॉलिज्म की पूरी प्रोसेस में कौन सी ऐसे पदार्थ है, सब्सटेंस है जो प्रभावित नहीं होता है, तो ये ऑप्शन है एंटी विटामिन, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। यानी कि मेटाबॉलिज्म के दौरान ये चीज़ इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो है एंटी विटामिन। अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए कि विटामिन B6, B9 और B12 ये सारे हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे दिमाग के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए इनको मस्तिष्क का विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क के लिए मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इसलिए इनको मस्तिष्क विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक खाद्य उत्पाद नहीं है, यानी कि प्राइमरी फूड प्रोडक्ट नहीं है। तो देखिए ये प्राइमरी फूड प्रोडक्ट हमारे सब्जी, अनाज हो गए और फल, ये हमारे प्राइमरी फूड प्रोडक्ट के अंदर आता है, लेकिन बी ऑप्शन दूध हमारा प्राइमरी फूड प्रोडक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए प्राइमरी फूड प्रोडक्ट होते हैं कि जो एक्चुअल में सबसे पहले हमारी नेसेसिटी है वो चीज़। देखिए दूध भी हमारे आवश्यक है, लेकिन जो हमारे प्राइमरी फूड के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सब्जियों में विटामिन ए और सी की प्रचुरता होती है, यानी कि एबेंडेंस मात्रा में पाई जाती है, बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है, वो है टमाटर में ए और सी विटामिन अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए इसके अलावा विटामिन ए हमारा पाया जाता है चुकंदर, गाजर, पनीर, दूध, टमाटर, हरी सब्जी, इनमें जो है विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग भी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और ये किस में पाया जाता है, जितने भी खट्टे रसीलेदार फल होते हैं जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, बेर, कटहल, पुदीना, अंगूर, टमाटर, इन सारी चीज़ में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग उसके प्रभावित भाग से सही मेल है। तो हमें बताना है कि कौन सा रोग जो है हमारे शरीर के किस भाग में होती है और कौन से भाग को प्रभावित करते हैं, अफेक्टेड होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर है निमोनिया। तो निमोनिया होने पर जो है फेफड़े या लंग्स में प्रभाव होता है, इसमें इफेक्ट पड़ता है। और देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे जो ऑप्शन नंबर सी में देखा गया कि मेनिनजाइटिस। देखिए मेनिनजाइटिस एक दिमागी बुखार है, कहीं पर यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया कि मेनिनजाइटिस क्या है, ठीक है, तो ये एक दिमागी बुखार है। अगला क्वेश्चन है, डिटर्जेंट क्या है। देखिए डिटर्जेंट क्या है, तो डिटर्जेंट एक सर्फेक्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, यानी कि एक तरल लिक्विड सर्फेक्टेंट है डिटर्जेंट। देखिए डिटर्जेंट एक्चुअल में क्या है कि साबुन और डिटर्जेंट की अगर कंपैरिजन, कई बार कंफ्यूज होते हैं कि डिटर्जेंट और साबुन एक चीज़ है, लेकिन थोड़ा उसमें डिफरेंट है। देखिए साबुन अपेक्षा डिटर्जेंट के कंपैरिजन में हम देखेंगे कि कम सफाई की क्रिया होती है उसमें, और डिटर्जेंट में जो है ज़्यादा सफाई होती है। डिटर्जेंट में एक फैटी एल्कोहल सल्फेट का सोडियम नमक है, और जबकि हम देखते हैं कि साबुन क्या है, वो उच्च फैटी एसिड सोडियम या पोटेशियम का नमक है। तो इन दोनों में ये चीज़ डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्राकृतिक रबड़ में उच्च लोच यानी कि इलास्टिसिटी होती है। तो देखिए उच्च लोच यानी कि इलास्टिसिटी होती है सबसे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट होगा, इलास्टोमेर में सबसे ज़्यादा होती है उच्च लोच यानी कि इलास्टिसिटी, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैविक अशुद्धियों को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो जैविक अशुद्धियों को हटाने के लिए स्टरलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। आपने कहीं हॉस्पिटल वगैरह में देखे होंगे कि जहाँ पे इस तरह की चीज़ें को स्टरलाइज किया था, जहाँ पे जो बीमारी से उत्पन्न जितने वायरस है और वहाँ के जो अशुद्धि है उनको हटाने के लिए हॉस्पिटल में स्टरलाइजेशन वगैरह इसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए परमाणु सिद्धांत का आविष्कार किया था जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी और अल्बर्ट आइंस्टीन, इनके बारे में देखते हैं कि रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था और मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में खोज की थी, और अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज की थी। जितने भी बल्ब हमने देखा कि ये एक तरह से प्रकाश विद्युत का उत्सर्जन का ही एक रिजल्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें चांदी उपस्थित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें नीचे दिए गए ऑप्शन में चांदी किसमें उपस्थित नहीं होते हैं। तो ये जर्मन सिल्वर एक सब्सटेंस है जिसमें
चांदी उपस्थित नहीं होता है। इसका नाम है जर्मन सिल्वर, किंतु इसमें चांदी उपस्थित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध किसका उदाहरण है? तो देखिए, दूध क्या है, एक सॉल्यूशन है कि एक कोलाइड सॉल्यूशन है, या हम कह सकते हैं कि एक पायस है, तो ये बताना कि क्या है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनकी पायस इनकी एमल्सन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अब एमल्सन होता क्या है, जब दो या दो से अधिक अमिश्रण, यानी कि जो मिक्स नहीं होती है, ऐसे तरल पदार्थ को से बना एक मिश्रण, यानी कि मिक्सर। तो ऐसे दो या दो से अधिक जो मिक्स ना होने वाले पदार्थों का जो मिक्सर है या मिश्रण है, उसको पायस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैलिना धातु यानी कि मेटल किसका अयस्क है, ओर है? तो यह है लीड के, यानी कि लेड के जो है एक अयस्क है, ओर है, गैलिना मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्चर कौन सा है? तो देखिए, यह है SLV-3, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। SLV का फुल फॉर्म क्या है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये सबसे पहला था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, जो सबसे पहला हमारा एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्चर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अग्निवी मिसाइल के बारे में सच नहीं है? तो देखिए, अग्निवी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में सच नहीं है, इनकी कौन सा कथन गलत है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है, इनकी यह तरल ईंधन द्वारा चलाया जाता है, जो कि गलत है। बाकी इसके अलावा यह एक ब्लास्टिक मिसाइल है, और यह हमारे देश की उत्पन्न स्वदेशी मिसाइल है, और इसकी रेंज है 5,000 से 6,000 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है, और यही हमारा राइट आंसर, क्योंकि ये पूछा कि सच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का पिछला हिस्सा यानी कि उसका जो बैक साइड है, हमेशा शांत और अंधेरा होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, यानी कि शांति का सागर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चंद्रमा का जो बैक साइड है, उसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, मॉडर्न बाइसाइकिल की आविष्कार किया था मैकमिलन ने। कई बार इसके बारे में अलग अलग वो है कि किन्होंने बाइसाइकिल, अलग अलग तरीके के बाइसाइकिल बनाए थे, और उनका अलग अलग आविष्कारक थे, किंतु जो मॉडर्न बाइसाइकिल है, उसके आविष्कारक हैं मैकमिलन, जो मॉडर्न बाइसाइकिल के आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टर है? तो देखिए, यहाँ पे उपयुक्त सभी हमारे पास, जो सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, और एल्युमिनियम, ये सारे हमारे प्रतिरोधक हैं, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धकंडक्टर में अशुद्धियों को क्यों जोड़ा जाता है? देखिए, अर्धकंडक्टर जो सेमी कंडक्टर है, उसमें हम देखते हैं कि अशुद्धियों को जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? ताकि इसकी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धियों को जो है जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी प्रत्यक्ष धारा यानी कि डायरेक्ट करंट के सोर्स हैं? तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे डायरेक्ट करंट के हमें कौन कौन से सोर्स मिलते हैं, ड्राई सेल हो गया, कार बैटरी हो गया, और डीसी जनरेटर, ये सारे हमारे डायरेक्ट करंट के एक एग्जांपल है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। देखिए, डायरेक्ट करंट है, इसमें हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष धारा या दिष्ट धारा, ये केवल एक ही दिशा में बहने वाली धारा होती है, और इसके अपोजिट में हम देखते हैं कि जो ऑल्टरनेटिव करंट होती है, वो ऐसी धारा होती है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है, उसको प्रत्यावर्ती धारा या ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अपवर्तनांक यानी कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो देखिए, जल का जो अपवर्तनांक होता है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो 1.33 होता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। अब देखिए, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? देखिए, किसी भी पदार्थ के अपवर्तनांक यानी कि सूचकांक एक ऐसी संख्या होती है जो हमें ये बताती है कि उस माध्यम से, उस पदार्थ में से प्रकाश कितनी तेजी से फैलते हैं उस माध्यम में। ठीक है, तो ये बताता है अपवर्तनांक। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा साइंस का सेशन। कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके फीडबैक और कमेंट को हमेशा पढ़ता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आप लोग प्लीज़ इसको अपने स्टडी ग्रुप में और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर किया करिए, और वीडियो को लाइक जरूर किए। और इसके अलावा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ने 28 राज्य और 9 यूटी के स्टैटिक और करंट जीके का PDF बनाया है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। नीचे दिए गए PDFs को आप डाउनलोड कर सकते हैं। Thank you for watching this video. Have a wonderful day ahead.